आज हम जानेंगे कि बैंक की लेजर में हम अपनी चेकबुक है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, और एक चेकबुक ख़त्म होने के बाद में हम दूसरी चेकबुक कैसे मेंटेन करेंगे, वो चीज़ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नई कंपनी क्रिएट कर लिया, तो मैं सबसे पहले नई बैंक की लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट में चलूँगा, यहाँ पर लेजर में चलेंगे, और यहाँ से हमें बैंक, जिस बैंक का लेजर क्रिएट करना है उस बैंक का नाम रख देंगे, कि जिस बैंक में अपना अकाउंट है उस बैंक का नाम रख देंगे। तो जैसे कि एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट है वो इसके साथ में मेंशन कर देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से हमें तीन अकाउंट दिख रहा है, बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। यानी कि अगर आपका लोन अकाउंट है तब तो बैंक ODD अकाउंट लेंगे, OCC अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए काम में आता है, और बैंक अकाउंट अपना नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल अकाउंट लेते हुए लेंगे, और यहाँ पर हम अपना कंपनी का नाम है वो ऊपर शो करवा देंगे, अपने अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, जो भी अपने अकाउंट नंबर कर देंगे। IFSC कोड क्या होते हैं कि हम इंडिया में कहीं पर भी ई फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि बैंक टू बैंक पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हमें IFSC कोड की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हमें वो मेंशन कर देना है। तो SBI की मान लो कि मैं कोई भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार आपको स्विफ्ट कोड होते हैं, स्विफ्ट कोड अपने विदेशी ट्रांजेक्शन में काम आते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस समय एक देश और दूसरे देश दोनों की करेंसी अलग होने की दशा में हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। स्विफ्ट कोड क्या करता है कि करेंसी का एक्सचेंज का रोल निभाता है, जो बैंक के अपनी करेंसी को एक्सचेंज रेट करती है, फिर एक्सचेंज करके देती है करेंसी, यानी कि डॉलर को इंडियन रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके देती है। तो उन बैंकों का हमें स्विफ्ट कोड होता है, वो हमें यहाँ पर लगाना होता है। तो मान लो कि मेरे पास SBI, मैंने एक अज्यूम किया है इस प्रकार से, इसके कोई कोड है तो वो यहाँ पर लगा देंगे। ब्रांच कहाँ से ब्रांच है? अब यहाँ पर ब्रांच का नेम, तो ब्रांच का नेम आपको जब भी आप पहली नेट से कनेक्ट रहेगी तो यहाँ पर आपके लिस्ट आ जाएंगी कौन कौन सी बैंक है और कौन कौन सी ब्रांचेज है, तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएंगी, बैंक के नेम आ जाएंगे यहाँ पर ऑब्वियसली, तो यहाँ पर वो बैंक नेम हमें सेलेक्ट कर लेना। लेकिन अभी हमें सेलेक्ट नहीं करने दे रही टेली, क्योंकि हमें अपने PC को, हमारी कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पर आपकी कौन सी ब्रांच है वो ब्रांच रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे मान लो कि जयपुर ब्रांच है, तो यहाँ पर जयपुर लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें देखना, अब हमें बैंक कॉन्फिगर में यहाँ पर क्या करना है, सेट अल्टर चेकबुक, क्योंकि हमें यहाँ पर चेकबुक रखनी होती है, तो मैं यहाँ पर चेकबुक रखूँगा, यस, ठीक है। और यहाँ पर नाम, स्टार्टिंग नंबर क्या है मेरी चेकबुक के, मान लो कि मैंने अज्यूम किया है कि मेरे स्टार्टिंग नंबर है चेकबुक के वह है एक नंबर से स्टार्ट है, और यहाँ पर मैंने रख दिया दो, एक नंबर रख दिया, यानी कि मेरे पास एक इस चेकबुक में एक ही चेक है, जिसे हम आसानी से दूसरी चेक को किस प्रकार से मेंशन करेंगे वो हम देख पाएंगे। तो इस चेक का, चेकबुक का नाम है मेरे पास, मैंने SBI चेकबुक 01, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, ठीक है, चेक प्रिंटिंग को इनेबल कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें कर दी। अब मान लो कि कोई भी हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते समय हमारा, मान लो कि मैंने किसी पार्टी को पेमेंट किया है, या फिर पेमेंट किया है बैंक से किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राज कोई पार्टी है राज, उसको मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर 5,000 रुपये, 50,000 रुपये का पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन अकाउंट से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास डिटेल पूछी जा रही है, तो यहाँ पर देखो चेक आ गया कि पेमेंट किसके थ्रू हो रहा है, चेक के थ्रू हो रहा है 50,000, ठीक है। अगर अपना जो मोड है वो अगर चेक है तो चेक लेना है, अगर चेक नहीं है तो, अगर हमने ई फंड ट्रांसफ़र किया तो ई फंड ट्रांसफ़र लेना है या फिर अदर लेना है। तो यहाँ पर अगर चेक जनरेट हुआ तो चेक लेना है, ठीक है, अगर चेक जनरेट नहीं हुआ तो अदर लेना है या फिर ई फंड ट्रांसफ़र लेना है, कि आप, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ई फंड ट्रांसफ़र, या फिर UPI वगैरह से किया है तो अदर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेक से पेमेंट किया तो चेक आ जाएगा, यहाँ पर चेक के नंबर आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर डेट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक एरर आई कि ये चेक है वो क्या है, लास्ट है, ठीक है ना, ये दिस रेंज के चेक है वो लास्ट चेक है, तो इसको हमें अपडेट करना होगा चेकबुक को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक चेकबुक का उसका उपयोग कर लिया। अब मान लो कि मैं दोबारा पेमेंट करना चाहूँगा ना, यहाँ पर अगर मैं दोबारा पेमेंट करना चाहूँगा तो यहाँ पर देखो राज में ले तो लूँगा, यहाँ पर मैंने पेमेंट भी रख दूंगा यहाँ पर, और जैसे मैंने ऑन अकाउंट से ये पेमेंट इश्यू किया तो यहाँ पर देखो अभी चेक रेंज वगैरह वो नहीं आ रही, क्योंकि हमारी एक चेकबुक का वो क्या हो गई, ख़त्म हो चुकी है। अब हमें दूसरी चेकबुक ऐड करनी होगी तभी ही
यहाँ पर हमें चेक की रेंज है वो शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो मेंशन करना अनिवार्य है। तो मैं यहाँ से अपनी बैंक को वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ से बैंक आके हमें अल्टर में चलना होगा, अल्टर में अपनी लेजर्स में चलना होगा, और यहाँ पर हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेजर को ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पर हमें सेट अल्टर चेकबुक को यस कर देना है, और यहाँ पर हमें सेकंड चेकबुक है वो ऐड कर देना है। इसको हटाना नहीं है, इसको ऐसे का ऐसा रहना देना है, ऐसे का ऐसे रहने देना है। और यहाँ पर हमें नई चेकबुक है वो हमें लगा देनी है, जैसे कि हमारी नई चेकबुक का नंबर है, इस प्रकार से मेरे पास 44 चेक है इस बुक में, और इस चेकबुक का नाम रख देता हूँ मैं इस प्रकार से। हम चेकबुक है वो ऐड कर सकते हैं अपनी बैंक की लेजर में। अभी अपनी बैंक की लेजर में 44 चेक है वो ऐड हो चुकी है। अब अगर हम पेमेंट वगैरह इश्यू करेंगे ना, तो वो चेक हमें शो हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इसी पार्टी को दोबारा पेमेंट किया है, ऑन अकाउंट से मैंने इसको पेमेंट जनरेट किया, तो यहाँ पर देखो अपनी सेकेंड सीरीज वाली ऑटोमेटिक चेकबुक है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रकार से हम चेकबुक है वो मेंशन कर सकते हैं, और आसानी से पेमेंट है वो क्लियर करते हैं कि अपनी पार्टीज का पेमेंट है वो चेक से प्राप्त भी होता है, चेक से ही हम पेमेंट करते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम बैंक की लेजर में चेक है वो चेकबुक है वो ऐड कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।